एक ही बच्चा था मेरा, कोई और नहीं है आगे पीछे, मेरा कोई नहीं है आगे पीछे, मेरा सब चले गए। हम इस वक्त मौजूद हैं आदर्श नगर के अंदर। राहुल राजपूत, जिसकी एक मित्र से दोस्ती थी और उसी के चलते उसकी पीट पीट के हत्या कर दी गई। हमारे साथ राहुल के पिता हैं संजय। संजय, क्या कुछ पूरा वाक्य है, कब की ये घटना है, क्या कुछ था? सर, लड़का हमारा यहाँ कोचिंग देता था, इसमें ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था, तो उसको बाहर से कॉल आया कि भाई ऐसे ऐसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है। उसने कहा भाई कोई बात नहीं, आप भेज दो या मैं बात कर लेता हूँ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, बाहर आप आ जाओ, बाहर खड़े हैं। तो वो कहता चलो कोई बात नहीं, मैं बाहर आता हूँ। बाहर चला गया लड़का उनसे बात करने, वो तो बात करने के लिए गया तो उन्होंने उसको पकड़ के अगली नेक्स्ट गली में ले गए। वहाँ जाके उनको उन्होंने मतलब बहुत बुरी तरह उसको पीटा। मतलब ये है कि वो जैसे मतलब बंदे मारने के लिए ही आए थे, अपना पूरा प्लान बना के, मतलब तरीके से कुछ इधर खड़े हुए, कुछ इधर खड़े हुए, आगे जाके सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने इकट्ठे होकर 10 से 15 बंदे बता रहे हैं, कह रहे 10 से 15 बंदे थे जिन्होंने मारा था। मतलब उन्होंने मारा इस तरीके से कि मतलब बंदे को बाहर से भी चोट ना आए और किसी को पता भी ना चले। वहां देखने को कम से कम 150 आदमी खड़े हुए देख रहे थे, लेकिन आज की डेट में कोई ये नहीं कह रहा कि हमने देखा है। सीसीटीवी लगे हुए, सब कह रहे कि हमारे कैमरे खराब है। बताओ अगर उनके घर में किसी की वारदात होगी तो क्या कैमरे दिखाएंगे? नहीं, तब नहीं देखेंगे। कैमरे आपने लगा क्यों रखे हैं भाई? आज हमारे साथ है, कल वो किसी और के बच्चे के साथ भी हो सकती है, बच्चे तो और भी है, कोई हमारा अकेले का बच्चा तो है नहीं भाई। ठीक है, हमारा बच्चा जो था हो गया सो हो गया, लेकिन आगे के लिए तो कम से कम सेफ हो जाए। ये नहीं ना कि कोई भी अगर आके चार बंदे आए और किसी को भी मार के और चले जाए, वो कोई उसको पूछेगा ही नहीं। कौन लोग थे वो? और वो कोई इधर जहांगीरपुरी के कोई बंदे थे। अब हम तो इतना जानते नहीं कौन है वो कौन नहीं थे, वो तो पुलिस ही ढूंढ के निकालेगी ना कहाँ थे, कौन थे बंदे वो। क्या आपके बेटे की जिससे दोस्ती थी उसी के जानकारों ने इस चीज को अंजाम दिया है? क्या था? एक उसका भाई था लड़की का। दोस्ती क्या मतलब, साथ में ट्यूशन पढ़ती थी। अब तुम दोस्ती कह लो उसको या कुछ भी कह लो सर, वो लड़की के साथ में ट्यूशन पढ़ती थी। अब ट्यूशन पढ़ती है तो सब आपस में बातचीत तो करते हैं, एक बच्चा थोड़ी था, वो तो कम से कम 100 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ। ठीक है, बच्चा मेरा वहाँ ट्यूशन देता था उस एनजीओ में जहाँ वो लड़की पहले पढ़ती थी। ठीक है, तो जब पढ़ते हैं सारे आपस में तो बातचीत तो होती है, उसमें तो कोई ऐसी है नहीं कि दोस्ती कह लो कुछ भी कह लो। अब जो आप मतलब एक बंदा थोड़ी, वो कुछ भी कह सकता है बंदा कोई भी, लेकिन हाँ ये है कि साथ पढ़ते थे वो। राहुल, कौन सी क्लास की ट्यूशन जो है वो देता था, कितने बच्चे उसके अंडर में क्लास पढ़ते थे? वो 10th क्लास तक ट्यूशन देता था। मतलब बच्चे कई यहाँ भी घर भी आते थे, 2-3 शिफ्ट में बच्चे आते थे। मतलब सुबह 11 बजे से 4 बजे तक यहीं पढ़ाता था, उसके बाद में एक दो जगह घर पे भी जाके पढ़ाता था किसी के, मतलब छोटे बच्चे जिनके थे ना उनके घर भी जाके पढ़ाता था। वो लॉकडाउन से पहले एक एनजीओ है इधर, उस एनजीओ में क्लास देता था। मतलब 1.5 साल उसने वहाँ फ्री क्लास दी है।